एसपी सिटी सोनम कुमार ने अवैध कच्ची शराब के कारोबारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि महानगर में जहां पर भी कच्ची शराब बेचने की सूचना प्राप्त हो रही है वहां पर छापेमारी कर कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त गैंगस्टर व संपत्ति के जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा कि जो लोग भी अवैध कच्ची शराब का कारोबार कर रहे हैं वह बंद कर दें, नहीं तो सूचना मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, देखिए अवैध कच्ची शराब की जो भी सूचना हमें मिल रही है उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, मुकदमे पंजीकृत किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त गैंगस्टर और संपत्ति के जब्तीकरण आदि की कार्रवाई भी की जा रही है 14A के अंतर्गत। सर अभी बहुत से लोग ऐसे तरह का कारोबार कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या करना चाहते? देखिए जो ऐसे कारोबार कर रहे हैं उसे बंद कर दें, जैसे हमारे संज्ञान में आ रहा हम कड़ी वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं और अभी आगे भी करते रहेंगे, कई जगहों पर छापे मारे जाएंगे और जो भी ऐसा करता हुआ पाया जाएगा उसके विरुद्ध मुकदमे पंजीकृत किए जाएंगे और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।